और इसलिए यह महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति में रिश्ते जो होते हैं वो समय के अनुसार होते हैं। जब परिस्थितियां खराब होती है तो साथ देने वाले कतराने लगते हैं, और जब अच्छी स्थिति होती है तो सपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ये राजनीति में और सामाजिक कार्यों में एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है। पर एक बात जरूर है कि कुछ लोग ऐसे विरले होते हैं कि अपने रिश्ते एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हो हिसाब किताब नहीं करते। तो मुझे बड़ा दृढ़ विश्वास था, यानी 101% विश्वास था कि जिंदगी में MLA MP तो बनने का सवाल ही नहीं उठता, और मंत्री बनने का तो भी सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे अपने सौकर श्रीकांत जिचकार जैसे मेरे मित्र कहते थे कि नितिन तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है, पर तुम गलत पार्टी में। मैंने बोला जो है वो है, इट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद इट। जो होगा सो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी परसों अमिताभ बच्चन जी क्या मुंबई में 1.5-2 घंटे बैठा था, उन्होंने बार बार कहा कि एक बात बताओ कि आप 10 साल यंग लग रहे हो, आप क्या करते हो। तो मैंने 1 घंटा बैठकर उनको बोला कि मैं ये प्राणायाम करता हूं, ऐसा ऐसा आप भी करो, आप भी जवान बन जाओगे, फिर हीरो नए हीरोइन के साथ काम करोगे। तब विशेष रूप से नागपुर में पहली बार संजय गांधी जी का आगमन हुआ था, और उत्तर नागपुर के एक मैदान पर उनकी पब्लिक मीटिंग भी हुई थी। तब AK गांधी जो थे उन्होंने अपने यहां से विजय स्कूटर बड़े प्रमाण पर रैली में दी थी, और मोहब्बत सिंह तुली उस समय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सेक्रेटरी। उस समय से लेकर महेश बाबू ने गांधी परिवार से, संजय गांधी हो, मेनका गांधी हो, वरुण गांधी हो, इनके साथ एक रिश्ता जुड़ा, वो आज तक भी कायम है। आज तक भी कायम है ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि मेनका गांधी और वरुण गांधी, इनका अक्सर मेरे घर पर दिल्ली में आना जाना है, और स्वाभाविक रूप से अनेक बार महेश जी का विषय जब निकलता है तो वो रिश्ता वैसा ही कायम है। और उन्होंने मुझे खुद बताया कि हम सत्ता में रहे या नहीं रहे, हमारा रिश्ता इतना गहरा और मजबूत है, इस रिश्ते का हम सबको नाज है। और इसलिए यह महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति में रिश्ते जो होते हैं वो समय के अनुसार होते हैं। जब परिस्थितियां खराब होती है तो साथ देने वाले कतराने लगते हैं, और जब अच्छी स्थिति होती है तो सपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ये राजनीति में और सामाजिक कार्यों में एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है। पर एक बात जरूर है कि कुछ लोग ऐसे विरले होते हैं कि अपने रिश्ते एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हो हिसाब किताब नहीं करते, और ये हिसाब किताब नहीं करने वाला एक सही अर्थ में एक मर्द पत्रकार, एक निर्भीड़ पत्रकार, यानी महेश बाबू का उल्लेख करना है। उन्होंने लिखते समय जो सच होगा, जो उनके मन में होगा वो लिखा, और अनेक बार एकाधे बार ऐसा हुआ कि उनको ध्यान में आया कि कुछ इसमें अलग है, तो उसको स्वीकार भी किया। मैं याद करता हूं विशेष रूप से, मैं जब स्टूडेंट था जनता पार्टी का, बाद में जब इंदिरा जी ने जिसका उल्लेख अभी गिरीश भाव ने किया था, वो मेनका गांधी जी और उनका उस समय विवाद हुआ था, और उस समय कॉटन मार्केट में वहाँ एक दुकान थी जो महेश बाबू चलाते थे, और उसी में हम लोग भी नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन होता था, तो संजय विचार मंच के नाम से उन्होंने भी अपनी टोली तैयार की थी। तो मैं उस समय NSUI और यूथ कांग्रेस के खिलाफ सबको इकट्ठा करने का काम करता था, तो स्वाभाविक रूप से तब उनके साथ तब से मेरा काफी मजबूत रिश्ता रहा। नागपुर शहर में अनेक आंदोलन हुए, अनेक सामाजिक समस्याएं खड़ी हुई, अनेक सरकारें आई, अनेक मंत्री आए, अनेक मंत्री बदल गए, पर उनका जो अप्रोच था वो वैसा ही था, और एक किसी भी बात की चिंता न करते हुए अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना,
और उस बात को हिम्मत के साथ लोगों के सामने रखना, जो उनके दिल में लगा कि ये बात सच है उसका साथ देना, परिणामों की कभी उन्होंने चिंता नहीं की। और इसलिए मुझे याद है कि एक फिलोसोफर अलू दस्तूर, इनका एक मैं कुछ बातें पढ़ रहा था तो उन्होंने अपने इसमें एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कही थी कि नदी का प्रवाह जब बहता है तो काड़ी कचरा जो होता है, मरी हुई मछली रहती है, वो प्रवाह के साथ बह जाती है, और जो जिंदी मछली होती है वो हर समय प्रवाह के खिलाफ तैरती है, वही उसके जिंदा दिली का सबूत है। महेश पुरोहित उन व्यक्ति में से हो, वो जिंदी मछली जैसा है कि जिसने प्रवाह किस दिशा में बह रहा है इसकी कभी चिंता नहीं की, उसका हिसाब किताब नहीं किया, और सुदृढ़ता से हिम्मत के साथ अपनी बात को लोगों के सामने रखा। और इसीलिए नागपुर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनका अलग स्थान रहा। मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरी उनकी मित्रता जो तब से हुई तब से वो कायम रही। मैं भी थोड़ा उनके स्वभाव का हूँ क्योंकि राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं कभी कभी मजाक में मुझे बोलते हैं कि भाई ऐसा मत बोलो, तो देखो भाई अच्छा लगेगा तो वोट देना, नहीं देना तो मत देना, बाकी मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूंगा। आपको तय करना है, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आपका अधिकार है। तो इसलिए मेरी बात उनसे बहुत जुड़ती है। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो उनके तरफ देखकर मुझे याद आती है कि हम चुनाव बार बार जब हारते थे तो एक बार मेरा मित्र जो था वो LIT का, वो फॉरेन में गया, तो उधर से उसने मुझे एक किताब भेजी थी, वो रिचर्ड निक्सन के जीवन की थी, जो मुझे बहुत ही अच्छी याद आती है। और रिचर्ड निक्सन ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था, तो वो जब वाटरगेट के बाद उनको अमेरिका में काफ़ी अपमान सहन होगा करना पड़ा, और वाशिंगटन में उनको एक बस्ती में उन्होंने घर लिया तो लोगों ने उनको बहिष्कृत किया कि यहाँ आप मत आइए, बहुत हेट्रेट था उनके प्रति। तब उन्होंने बहुत पॉजिटिविटी के साथ एक बात कही थी, और वो बात जो कही थी वो मुझे इसलिए अक्सर याद आती है क्योंकि इमरजेंसी के 2-3 साल में मैं भी भूमिगत रहकर काम करता था, और तब स्पर्धा ये थी कि सब लोग 20 कलमी और 5 कलमी कार्यक्रम पर सपोर्ट देते थे। महेश बाबू को याद होगा एक राम कुमार शुभकरण तेल वाले रहते थे कॉटन मार्केट में, वो सस्ते में तेल बेचते थे और एडवर्टाइजमेंट में भी लिखते थे 20 कलमी कार्यक्रम को हमारा समर्थन है। तो उस समय हर जगह पर वो उसकी चर्चा होती थी, और हम बहुत बहुत प्रॉब्लम थे, CID पीछे लगते थे, कोई पूछता नहीं था, कोई सम्मान मान तो दूर की बात है, तो ऐसी स्थिति में थे। तो उसी स्थिति में जाने के कारण बहुत बार ऐसा लगता था कि जिंदगी तो ऐसी है, हमें कभी सत्ता भी देखने को मिलेगी नहीं, ना कभी MLA बनेंगे ना मंत्री बनेंगे। तो मुझे बड़ा दृढ़ विश्वास था, यानी 101% विश्वास था कि जिंदगी में MLA MP तो बनने का सवाल ही नहीं उठता, और मंत्री बनने का तो भी सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे अपने सौकर श्रीकांत जिचकार जैसे मेरे मित्र कहते थे कि नितिन तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है, पर तुम गलत पार्टी में हो। मैंने बोला जो है वो है, इट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद इट, जो होगा सो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मैंने एक बात, वो जो किताब देखी थी वो मुझे महेश बाबू को देखकर वो किताब की याद आती है। रिचर्ड निक्सन ने अपने जीवनी में लिखा था, द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। लड़ाई में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तब वो समाप्त होता है, लड़ते रहना चाहिए। मुझे वो हरिवंश राय बच्चन की अक्सर कविता में याद करता हूं कि मुझे मेरी औकात याद आती है। तो महेश बाबू ने अपने जीवन में अक्सर लड़ते रहे, और लड़ाई लड़ते रहे, अब जिंदा दिली से लड़ते रहे, अपना काम करते रहे, कोई आर्थिक हिसाब उन्होंने किया नहीं। परिवार को जो गिरीश भाव ने कहा, जब ये ऐसे लोग होते तो स्वाभाविक रूप से परिवार को बहुत संकटों का सामना करना पड़ता है, पर वो लोग अगर उनके पीछे खड़े नहीं रहते तो ये काम नहीं कर सकते, और इसलिए स्वाभाविक रूप से परिवार ने उनको साथ दिया, वो लड़ते रहे और एक जिंदा दिली का जीवन उन्होंने व्यतीत किया।
अब थोड़ा एक ही मुझे अभी लगा कि पैरालिटिक अटैक के बाद आज जब वो बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कोई ये डिसीज थोड़ा उनके साथ संघर्ष करके उनके ऊपर मात तो नहीं कर रहा है। तो मैं उनको यही कहने वाला हूं कि जब आपने सब बातों पर जिंदा दिली से मात की है तो आपकी पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इसके ऊपर भी मात करके फिर से तंदुरुस्त बन जाइए। और मेरे अनुभव से मैं बताता हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हो गया। परसों अमिताभ बच्चन जी के यहां मुंबई में 1.5-2 घंटे बैठा था, उन्होंने मुझे बार बार कहा कि एक बात बताओ कि आप 10 साल यंग लग रहे हो, आप क्या करते हो। तो मैंने 1 घंटा बैठकर उनको बोला कि मैं ये प्राणायाम करता हूं, ऐसा ऐसा ही आप भी करो, आप भी जवान बन जाओगे, फिर हीरो के नए हीरोइन के साथ काम करोगे। मुझे लगता है कि ये जो स्वास्थ्य है इसमें भी उनकी जिंदा दिली और पॉजिटिविटी पूरी तरह मात करेगी। निरोगी और स्वस्थ जीवन आप सबकी आशीर्वादों से शुभकामनाओं के साथ उनको मिलेगा। और जीवन के आखिरी तक कॉम्प्रोमाइज किया नहीं, करना नहीं, जो है वैसे रहना। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, लोग बिल्कुल सही है। और चलते रहना चाहिए। और इसलिए जिनकी जान अटकती है ना थोड़े बहुत स्वार्थों में, वो चिंता करते हैं। तुम्हारे मेरे जैसे कोई चिंता नहीं करता। तो आप, मैं कभी बताता तो वो गीता सार था कि भगवान ने तुमको दिया क्या? कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तो चिंता किस बात की?